हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो आज लोकेशन थोड़ा आप चेंज देख रहे होंगे सुबह सुबह की। पहले जिस ग्राउंड में घूमने जाता था ना, वो एक डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, और यहाँ आप लोग देख रहे हैं इधर एक उस तरफ मंदिर है, और मंदिर के सामने तालाब है, और तालाब के चारों तरफ देखिए किस तरह टाइल्स वाली इंटरलॉकिंग वाली ईंटें लगी हुई है, और पेड़ पौधे कितने बढ़िया हरे भरे सब तरफ। माहौल यहाँ भी बहुत बढ़िया है, तरोताज़ा हवा है। और रुका हुआ कहाँ हूँ मैं, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम है मेरे दोस्त तरुण का। आज मैं तरुण के पास रुका हुआ हूँ, क्योंकि कल ना सुबह सैटरडे को जब मैं स्कूल से निकला था, तो स्कूल में रहते हुए बार बार मैंने भाभी जी के हेल्थ के बारे में भैया से फ़ोन कर करके पूछा कई बार। सुनील भैया से कम 10 बार मेरी बात हुई है, और बार बार पूछता रहा बुखार अब कैसा है। तो कई बार उन्होंने बताया कि एक बार बुखार ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे एक बार कम भी हुआ है। और शाम के टाइम जिस समय छुट्टी हुई मेरी 3:30 बजे, भैया को मैंने फ़ोन किया, कई बार भाभी जी से बात करने की कोशिश की, तो एक बार उन्होंने बताया अभी बुखार है तो अभी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बताया कि अभी सोई हुई है, बात नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद तबीयत ठीक नहीं है भाभी जी की। और स्कूल से पहुंचने के बाद रूम पे जाते ही तुरंत अपना बैग उठाया, उसमें एक चादर ली, क्योंकि रात का जो ट्रैवल होता है ना, अब ठंडी की वजह से बिना चादर के ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो बैग में चादर ली, एक हुड लिया, और वहाँ से मैं निकल लिया घर चलने के लिए। चिंता बहुत हो रही थी भाभी जी के सेहत के बारे में, फीवर के बारे में। तो वहाँ से मैं निकला ही था, सीतापुर पहुँचने वाला था, उस समय भैया का फ़ोन आया उधर से, और भाभी जी से बात कराई उन्होंने। मैंने उनसे कहा हुआ था जैसे भी जाग जाएँ भाभी जी तो बात कराना, और बात नहीं हो पाई थी तो मन बड़ा परेशान सा हो रहा था। जैसे ही भाभी जी जागी उन्होंने वीडियो कॉल कराई, भाभी जी से बात करके मन को थोड़ा तसल्ली हुई, उनकी आवाज़ सही लग रहा था कि सेहत में अब थोड़ा सुधार है। तब मैंने सोचा कि दूर बहुत है, एक बार तो मन कर रहा था चला जाऊँ, छुट्टी ले लूँगा, मेडिकल वगैरह जो भी मिलेगा वही ले लूँगा, चला जाऊँ। लेकिन जब भाभी से बात करके मन को थोड़ा तसल्ली हुई, तो भाभी जी की सेहत में अगर सुधार है तो भैया दोनों घर पे हैं ही देखभाल करने के लिए, तब मैंने सोचा कि अभी और ड्यूटी कर ली जाए। तो संडे के दिन आज रुका हूँ यहाँ मैं अपने मित्र के पास। बैराज से निकल के आया था, सीतापुर तक पहुँचा था, और जब मुझे लगा कि घर पे ठीक है, आराम मिल रहा है भाभी जी को, तो मैंने विचार बनाया कि आज दोस्त के पास यहीं रुक जाऊँ संडे को। जैसी भी स्थिति रहेगी, अगर घर जाने का मन किया तो घर चला जाऊँगा, नहीं तो मंडे की ड्यूटी कर लूँगा यहीं से वापस जाके। फ़िलहाल अभी रुका हुआ हूँ यहाँ लहरपुर में। यार बहुत बढ़िया नज़ारा है लहरपुर का, कितना बढ़िया मैंने आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ से भी आगे ना लहरपुर में जो मेन गेट बना है कस्बे का, वो इतना बढ़िया है, रात में डेकोरेटेड होके लाइट वाइट जली हुई थी, उसके पास एक फाउंटेन है और फाउंटेन चल रहा था, तो बहुत ही गजब का नज़ारा लग रहा था रात में। बस वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि एक तो कल सुबह का भूखा चला हुआ था भाई, कल सुबह मैंने तहरी खाई थी शनिवार को, और स्कूल में दिन भर ऐसे ही रहा। उसके बाद रूम पे पहुंचा, बैग उठाया, निकल लिया वहाँ से, खाना कुछ नहीं खाया। खाना खाने की याद तब आई जब भाभी जी से बात हुई, उसके बाद पता लगा यार आज तो दिन भर कुछ खाया ही नहीं। फिर मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर दिया तरुण को कि भैया कुछ बना लो यार, बढ़िया भूख लगी है, आज यहीं पर रुकूँगा। तो तरुण ने उड़द की दाल बनाई थी धुली हुई, बहुत मस्त दाल बनाई तड़का लगा के धनिया वनिया डाल के, और हमने 16-17 रोटियाँ बनाई थी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 1-2 रोटी मुश्किल से बची है, वरना सारी रोटियां खा गए हम दोनों लोग, इतनी भूख लगी थी कल शाम को। तो फिलहाल अभी तरुण तो हमारे मित्र सोए हुए हैं, उनको मैंने जगाया नहीं, मैं तो जल्दी जाग जाता हूँ। सुबह बाहर घूमने के लिए यहाँ गया था तालाब के पास, तो तालाब में शायद मछलियाँ हैं, आटे की गोलियाँ खिला रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं वहाँ कई सारे। वहाँ हम देख रहे हैं कि एक तो अंकल जी हैं, कुछ डाल रहे हैं तालाब में, आटे की गोलियाँ इस तरह डालते हैं, और मछलियाँ आती हैं खा लेती हैं। इधर ये बच्चे भी कुछ मछलियों को खिला रहे हैं, एक बच्चा है और उनके साथ एक उनके पेरेंट्स हैं। तो फिलहाल चलिए, इतनी बढ़िया डेकोरेशन आप लोगों को मैंने दिखाई, और ये तो मैंने डेकोरेशन दिखाई आपको यहाँ की। मंडे की सुबह अगर मैं यहीं से स्कूल करूँगा तो आज संडे की शाम को रुकूँगा और डेकोरेशन सब दिखाऊँगा, नहीं तो देखते हैं आज संडे में हम दोनों दोस्त कहीं यहीं आसपास घूमने कहीं जाएंगे तो वो वीडियो बनेगा नहीं, और जो भी रहेगी स्थिति कंडीशन वो करती है डिपेंड घर के ऊपर के। घर फ़ोन करके हलचल लूँगा, घर की तरफ जाना है या ड्यूटी जाना है वापस, वो तो बात करके ही पता चलेगा। तो फिलहाल चलिए दिखाते हैं सैटरडे की क्या क्या गतिविधि हमारी रही बच्चों के साथ में। फ्रेंड्स, आज बच्चों की एक गतिविधि होने जा रही है, बच्चों को ना नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स लिखवाए थे, याद हो गए बच्चों? जी। नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स के अलावा एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की यहाँ एक्टिविटी है, कि
शरीर के अंगों के नाम के साथ साथ बच्चों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो किस तरह से काम करता है जी। उसके लिए एक गतिविधि, आज तो खैर कुछ और लिखा था, आज तो एक पाठ पढ़ाया था बच्चों को अभी और वर्ड मीनिंग्स उसके लिखवाए हैं, लेकिन कल लिखाए थे या परसों नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स? परसों लिखाए थे, कल तो गेम्स में गए थे ना बच्चे, परसों लिखाए थे नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, याद कर लिए होंगे बच्चों ने? याद भी कर लिए हैं और बहुत प्यारी गतिविधि है, देखते हैं बच्चे किस तरह से करते हैं। गतिविधि क्या रहेगी ये पहले बता दूं बच्चों को, सबसे पहले बोलूंगा मैं हेड, तो आपको हेड पे हाथ रखने हैं, किसी भी शरीर के अंग का नाम बोलूंगा उसी पे हाथ रखने हैं, शोल्डर, नीज, टॉज, हेड, आइज, नोज, ऐसे शरीर के अंग बोलते हुए और किसी के बीच में अचानक से बोल दूंगा डस्टर, ठीक? तो बच्चों को तुरंत डस्टर को उठाना है, दो टीमें बनी हैं, एक इस तरफ बनी है और दूसरी इस तरफ बनी है, ठीक है? शरीर के अंगों के नाम बोलते बोलते किसी भी बॉडी पार्ट के तुरंत बाद डस्टर बोल दूंगा, तो तुमको तुरंत डस्टर उठाना है, तो जिधर नंबर ऑफ डस्टर्स ज़्यादा होंगे वो टीम जीतेगी, समझे? गेम समझ गए? शुरू करें? यस। कुछ बच्चे सेलेक्ट किए इनमें से और कुछ बच्चों को अगली बारी में खिलाया जाएगा, वो बैठे हैं अभी, देख लें समझ लें नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, हेड, शोल्डर, नीज, टोज, शोल्डर, हेड, नीज, डस्टर। अब देख लें, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच, पांचों डस्टर बॉयज़ के पास है, पांचों डस्टर बॉयज़ के पास आए हैं, गर्ल्स कोई भी डस्टर नहीं उठा पाई हैं, या तो गर्ल्स को अभी थोड़ा हेजिटेशन है, वो शायद नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स ठीक से समझ नहीं पाए, याद किए बिटिया? चलिए दो तीन राउंड होंगे, पहले राउंड में तो पाँचों डस्टर बॉयज़ के आए हैं, अब सेकेंड अटैम्प्ट करते हैं, सेकेंड राउंड फिर से शुरू करेंगे, हेड, हेड कहेंगे तो सब बच्चों को हेड पे हाथ रखना है ऐसे, शोल्डर, टोज, टोज कहाँ हैं लड़के, गलत कर रहे हैं, है विकास टोज बोला था, किसी भी ऑर्डर में बोल सकता हूँ, जिसका भी नाम बोला जाएगा वहीं जाना है तुम्हें, ठीक, डस्टर, एक दो तीन चार, चार डस्टर बॉयज़ के पास आए हैं और परी एक डस्टर उठाई है शाहरुख के सामने से इस बार, तो चलिए पिछली बार गर्ल्स के पास कोई डस्टर नहीं था, इस बार एक डस्टर जीती है, बहुत अच्छी बात है, थर्ड राउंड करते हैं, लड़कियों को वापसी करनी पड़ेगी, ज़्यादा डस्टर उठाने पड़ेगा तब तुम्हारी टीम जीत पाएगी, तैयार हो? परी, निशा, आमरीन, सुंदरिया और सुधा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए, ज़्यादा डस्टर उठाने पड़ेंगे, फिर से शुरू करते हैं, शोल्डर, हेड, टोज, डस्टर, इधर आया, वेरी गुड, दो डस्टर आए बिटिया के पास, सुंदरिया एक उठाई है और एक परी, यानी कि दिमाग अब बढ़िया काम करने लगा है, तेजी से समझने लगे हैं, शरीर के अंगों के नाम तो याद करने ही हैं, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बोला क्या गया है, और जो बोला गया है उसी पे तुरंत प्रतिक्रिया करनी है, फर्स्ट राउंड में सारे डस्टर बॉयज के पास थे, सेकंड राउंड में गर्ल्स के पास केवल एक डस्टर आया और चार बॉयज में थे, और थर्ड राउंड में तो दो डस्टर आ गए, बिटिया बढ़ोतरी की तरफ है, दो डस्टर इस बार रहे हैं, और ध्यान से खेलोगी बिटिया तो जीत जाओगी, है शरीर के अंगों के नाम ध्यान रखो, और जैसे ही डस्टर बीच में बोला जाता है तो डस्टर को उठाना है, थर्ड राउंड शुरू करें, शरीर के अंगों के नाम पे भी ध्यान रखो, पूरा ध्यान डस्टर पे नहीं लगाओ, ये ध्यान लगाने का गेम है, डस्टर उठाने का नहीं है, ध्यान लगाओ बोला क्या गया, डस्टर बोला गया है या शरीर का अंग का कोई नाम बोला गया है, तुम पूरा ध्यान लगा देते हो डस्टर उठाने पे, हेड, शोल्डर, नीज, टोज, हेड, शोल्डर, आइज, आइज कहाँ है भैया विकास, पूरा हाथ में चेहरा नहीं ढकना है, बस ऐसे उंगलियां ऐसे करनी है जैसे ये सगीर अहमद किए हुए हैं आइज पे, ठीक,
और आंख को बचाना भी है उंगली से, उंगली आंख में ना डाल लेना भैया। हेड शोल्डर आईज नोज डस्टर, सुनो सुनो सुनो, एक दो तीन चार। अरे वाह, इस बार तो बहुत समझदारी से काम किया है बिटिया लोग ने। अब बिटिया जीती है, चार डस्टर इस बार। तालियां भैया, डस्टर रख के, डस्टर रख के, बस लास्ट राउंड में, फाइनल राउंड में बिटिया के पास ज्यादा डस्टर है। चार डस्टर लड़कियों ने उठाए और एक लड़कों ने, तो फाइनल राउंड में, आखिरी राउंड में बिटिया लोग जीते हैं और बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया है, सुधार किया है, क्योंकि सबसे शुरू में कम डस्टर थे इधर और बढ़ते बढ़ते लास्ट में ज्यादा आने लगे हैं। एक गुड तालियां जाएंगे।